हेलो वातावरण से नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं वकार शेख और आप लोग हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल शेख हैंड्स विद वकार पर। दो तीन दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं, व्लॉग लेकर आ रहा हूं। बस क्या करूं, कुछ ना करते हुए भी बिजी था, बस ये समझ लीजिए। खैर कुछ ऐसा खास हुआ भी नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन आज का दिन बहुत ख़ास है। आज है 6 अक्टूबर और आज मैं रात को एक फुल फ्लेज्ड अपनी एक शॉर्ट स्टोरी फिल्म जो है वो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है और इस फिल्म को मुझे डायरेक्ट करने में ये पॉसिबल नहीं है होता अगर बहुत से लोग इसमें मेरी मदद नहीं करते। वो कौन कौन लोग हैं उन सब लोगों से भी मैं आपको शाम को मिलाऊंगा। तो आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मैं पहली बार इस तरह से कुछ एक फुल फ्लेज्ड तरीके से एक शॉर्ट स्टोरी ही सही लेकिन डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थोड़ा सा परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि मौसम जो है बॉम्बे का थोड़ा सा बेईमान हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश आएगी नहीं आएगी, ये बारिश ही जाएंगी कब मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आई एम श्योर कि शायद नहीं हो, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कल रात को भी हुई और सुबह भी, और मौसम ऐसा बना हुआ है आपको देख के लगता है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि बारिश ना हो और अच्छे से हमारा शूट हो जाए। बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, छोटी सी स्टोरी है, बहुत स्वीट सी स्टोरी है और जब आएगी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो आज मैं आपको वहाँ पर हमारी जो कास्ट हैं मैं उसको सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ और मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त उसमें एक्ट कर रहे हैं, उसमें मैं उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। और जो बाकी लोग भी सेट पे आएंगे हमारे राइटर, जिनके बिना ये तो हो ही नहीं सकता था, सोहेल भाई की वजह से ये हो पा रहा है पूरा, सब लोगों से आपको मिलाऊंगा। तो अभी बहुत सारा काम है दिन भर में मुझे, उसी शूटिंग के कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है, कुछ चीज़ें जमा करनी है, लास्ट मिनट घबराहट भी है कि क्या क्या कुछ रह तो नहीं गया, प्रॉपर्टीज़ है, ये है, कप्स है, मग है, बटर पेपर है, वैसे शूटिंग का सामान काफ़ी कुछ मुझे जमा करना है। तो मैं क्विकली जाता हूँ, अब खाना खाता हूँ और देखता हूँ कि खाने में क्या बनाएं और फिर फटाफट आज मैं काम पे लग जाता हूँ। तो आप सब लोगों से दुआ है कि ये जो मैं पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ इसमें अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, ऊपर वाला मुझ पर करम करें और ये एक अच्छी सी स्वीट सी कहानी बन जाए। अब जाके खाना खाता हूँ क्योंकि भागना है, फिर बहुत सारी तैयारियाँ करना है। प्लीज़ मेरे लिए और मेरी इस कहानी के लिए प्रे ज़रूर कीजिएगा और जब बन के आ जाएगी तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये आएगी यूट्यूब पर ही। और खाना रेडी है, खाना है आलू गोभी की सब्जी और दाल, पापड़ है, मेरी बाजरे की रोटी है और छाछ है। मैडम छाछ, हाँ छाछ मंगवा दो यार, सैलेड्स तो होंगे, सैलेड है ना, तो मैं जोया को बोल के नीचे से मंगा लेता हूँ, दही बना दो, गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। तो बस खाना शुरू किया जाएगा और जोया आप लोग के सामने आना नहीं चाहती है क्योंकि जोया बोल रही है कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे आज व्लॉग में इंक्लूड मत करो। उसके लिए भी दुआ कीजिए कि वो लोग जल्दी से ठीक, वो जल्दी से ठीक हो जाए। हेलो गाइस, और ये दोनों जो हैं, एक है कुणाल जिसने टोपी नहीं पहनी है और उसका भाई दिनकर, और ये शूट करने वाले हैं। कुणाल कैमरामैन है फिल्म का और ये दोनों आ गए और मैं उनको एक शॉट समझा रहा था। और लुकिंग फॉरवर्ड, बहुत कमाल का काम करता है ये लड़का। हेलो हेलो चाचा, आवाज़ ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो, मल्टीटास्किंग हीरोइन इन्हें कहते हैं, ड्रेस का भी काम कर रही हैं और हीरोइन भी हैं।
हेलो हेलो पीपल, अभी बज गए हैं रात के तीन बज रहे हैं और हमने अभी भी अपनी जो है शूटिंग खत्म नहीं करी है, क्योंकि शूटिंग है ऐसी बड़ी बड़ी, जब फिल्में बनती हैं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत जमा के करते हैं, बहुत समय लगता है। तो आज हमने एक बहुत मेजर पोर्शन खत्म कर दिया और हम लोग कल भी शूटिंग करेंगे और कल बहुत ज़्यादा शूट नहीं है, तो आज हमें बहुत मज़ा आया, इन्जॉय किया, सब थक भी गए हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे हीरो हीरोइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखे, क्योंकि कल इन्हें भरपूर रोमांस करना है। और कुणाल ने बहुत ही बेहतरीन, अभी हमने एक जो शॉट लिया किचन का, लाइटिंग करी है और दिन भर ही अच्छी करी थी, लेकिन स्पेसिफिकली किचन था उसने, मतलब माइंड ब्लोइंग था। और हम बहुत ज़्यादा गलत जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास सोहेल भाई साथ में थे, इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम, पूरे शूट में लगे रहे और ये नहीं होते तो वैसे ही फिल्म ही नहीं बनती, और इनका यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा बून भी साबित हो गया, सो थैंक यू। और आप कल भी हम इनको खींच के लाएंगे क्योंकि ये होते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। और मैं इस व्लॉग को कल एंड करूँगा जब हम इस फिल्म की शूट ख़त्म करेंगे और एक स्वीट सा मैसेज सब लोग आपको दे भी देंगे, तो अनटिल टुमारो आदियोस। हेलो गाइस, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? आज है 7 अक्टूबर और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि हमें लग रहा था कि हो जाएगी लेकिन बस नहीं हुई, तो हमें आज रात को हमारी उस शॉर्ट फिल्म को शूट करना है। शॉर्ट फिल्म बोलने के लिए होती है, वक्त बहुत लगता है, मेहनत बहुत होती है, बहुत से लोगों की मेहनत होती है उसके अंदर, और हम तकरीबन 7 या 8 घंटे शूट करते रहे गाइस, लेकिन हमें फिर भी पता नहीं चला, हमें लगा कि हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। एक बहुत मेजर चंक जो अभी हमें टेरेस पे शूट करना है वो अभी भी पेंडिंग है, तो आज हम जाके शूट करेंगे। थोड़ी सी तकलीफ ये हो रही है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है बॉम्बे का, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ही था, आप देख सकते हैं बारिश रात से हो रही थी और अभी हालांकि थोड़ा सा सूखा है लेकिन कह नहीं सकते, बस दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो ना, अगर बारिश हो जाएगी तो हमारी रात की शूट नहीं हो पाएगी। सो आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन वो फिल्म तो ख़त्म करनी है, शूट ख़त्म करना है, बहुत अच्छी बनकर आ रही है आप लोगों की दुआओं से, मज़ेदार है। फ्राइडे है आज, नमाज ख़त्म हो गई है, अब मैं जाके खाना खाता हूँ, अयान भी घर पर है, जोया भी घर पर है, अयान के एग्ज़ाम चल रहे, जो एग्ज़ाम देकर आ गया, तो बहुत दिनों के बाद दोपहर को सब लोग हैं, तो आइए सब लोग को आज ब्लॉग में क्या कर रहे हैं क्या नहीं मस्ती लेते हैं और हम देखते हैं जाके कि अयान कर क्या रहा है। जोया की तबीयत ख़राब है, सो गाइस प्लीज़ दुआ करो उसकी सर्दी जुकाम जल्दी से ख़त्म हो जाए, और अयान तो मतलब सुस्त है ये इंसान, बस सोते रहता है। अयान आपने कितना गन बचाया हुआ यार, पीछे आपके क्वेश्चन पेपर जो पड़े उसको तो उठा लो, एग्ज़ाम चल रहे तो सर क्या मतलब हुआ, एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं? आपको पता है आपकी एग्जाम अच्छी क्यों जा रही है, क्योंकि सब लोगों ने आपको बेस्ट ऑफ लक विश किया है, सबको थैंक यू तो बोल दो। पास होना जरूरी नहीं है, अच्छे नंबर लाना है, पास होना ही से कुछ नहीं होगा, क्या कर लोगे लाइफ में पास होके। तो गाइस पढ़ रहा है, अच्छा जा रहा है, इसके एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, बोल तो रहा है रोज अच्छे जा रहे हैं, जब नंबर आएंगे तब पता चलेगा कि क्या कांड कर आया है ये लौंडा, ठीक है। और खाना बन गया है, खाना खा रहे हैं, मेरे ख्याल से फ्राइडे है तो फ्राइडे मोस्टली नॉनवेज होता है, ओह यस चिकन है, बाजरे की रोटी है और नान खा रही है एक्चुअली। ओके हाय गाइस, जैसे मैंने बोला था कि आज हमें शूटिंग करनी थी, लेकिन आप देख रहे हैं बॉम्बे का हाल कैसा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग आज शूट कर पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो फिल्म शुरू करी है उस शॉर्ट फिल्म को हम आज ख़त्म कर पाते, लेकिन बारिश बहुत है तो आई थिंक आज हम लोग हमारी उस शॉर्ट फिल्म ख़त्म नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मैं अपसेट भी हो गया हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज फिल्म ख़त्म हो जाए, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब मौसम अगर ऐसा है तो क्या करें, अब हम लोग वेट करेंगे, शायद अगर कल बारिश ना हो और मौसम अच्छा हो तो हम लोग कल के दिन शूट कर लेंगे या परसों के दिन शूट कर लेंगे, क्योंकि जो शुरू किया है उसे ख़त्म तो करना पड़ेगा और वो ख़त्म होगी तो ही तो मैं आप लोगों के सामने उसे लेकर आ सकता हूँ। तो थोड़ा सा अपसेट हूँ क्योंकि बारिश हो गई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बारिश होगी, बट ठीक है, प्रे कीजिए हमारे लिए कि हमारी फिल्म जल्दी से बन जाए और मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ उसे जल्द से जल्द। बहुत अच्छी बनी है, जो थोड़ी बहुत अभी हमने शूट करी है, नीली आधी हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है एक्ट्रेस का और दैट्स इट, आई होप जल्दी बनाऊँ और आप लोग के सामने लेकर आऊँ।
हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस। तो आज 7 अक्टूबर शूट तो हो नहीं पाई, थोड़ा सा उदास थे तो सोचा थोड़ा मीठा खा ले। मीठा खाने से थोड़ा क्या मूड जो है इनहेंस हो जाता है। उदास क्यों थे आप पहले? अरे वो शूट नहीं हो पाई यार मेरी, आज वो फिल्म कंप्लीट होना बहुत जरूरी था। हाँ, बारिश आई है। बारिश बहुत आई है, मतलब ऐसी बारिश आई है, पर क्या करें। ठीक है, कोई नहीं, बारिश रुक जाएगी। नेचुरल डिजास्टर तो नहीं बोल सकते, बारिश होना भी बहुत जरूरी है। हाँ मतलब, पर ठीक है, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, कल नहीं तो परसों हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा था कि आज खत्म हो जाए, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है। आप कुछ बना रहे हो, शूट कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए, फिर आप उसको बना के उसको देखे भी कि कैसा लग रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तो अब देखते हैं कल के दिन, एज इन 8th को अगर वेदर अलाउ करेगा तो हम लोग शूट करेंगे, वरना हम तो खा रहे हैं दिन भर। मैं आपको बताते रहूँगा क्या क्या खा रहा हूँ, क्योंकि शबनम के किचन से बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान हमें खाने मिलते हैं। थैंक यू। और हमारे गालों को देख के आप समझ गए होंगे कि ये गाल ऐसे लड्डू क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह है ये। एनीवे गाइस, मेरे भी हो रहे हैं। तो आई विल सी यू टुमारो। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत जल्दी आप लोगों के प्यार की वजह से मैं एक शुरुआत का जो लैंडमार्क होता है यूट्यूब का, वहां पहुंचने वाला हूं, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। टाइम है लेकिन आई एम अराउंड, मैं पहुंच रहा हूं बस वहां बहुत जल्दी। तो प्लीज जल्दी से करवा दीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। एंड आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।